हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ श्री एकेडमी। स्टूडेंट, आज जो हम करने जा रहे हैं वो इंडियन राइटिंग को करेंगे। जैसा कि आप सब ने मुझे कहा कि आपको अमेरिकन लिटरेचर के बाद जो है इंडियन राइटिंग को शुरू करना है, तो आज मैं उसी को शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि अब मैं बहुत लेट आई हूँ। इसकी कई वजह हैं। एक तो ये वजह है सबसे बड़ी, एक तो कि आज जो एक तो हम ऑनलाइन बैच की तैयारी में चल रहे हैं, मैं उसमें बिजी हो जाती हूँ, और ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, अदर बैचेस की भी चल रही हैं। तो फिर भी स्टूडेंट, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आपके लिए वीडियो डालती रहूँगी। तो लेट अस स्टार्ट। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा जो है इंडियन राइटिंग है। इंडियन राइटिंग है, इसको जो है इंडो एंग्लो लिटरेचर भी बोलते हैं। इसको जो है इंडो एंग्लो लिटरेचर बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट, जैसे हमने ब्रिटिश लिटरेचर में आपने पढ़ा होगा, या मैंने अमेरिकन लिटरेचर आपको करवाया है, तो उसमें मैंने आपको पीरियड वाइज बताया कि ये पीरियड होते हैं। लेकिन हमारे इंडियन राइटिंग में किसी तरह के पीरियड्स नहीं होते हैं। इसकी वजह ये है कि हमारा जो इंडियन लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ये मतलब लगभग जो है 100-150 साल पुराना ही है, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। इसमें एजेस वगैरह नहीं आती हैं, लेकिन इनके थीम अपने अपने रहे हैं। जैसे जब हम गुलाम थे उस टाइम पे, जब इंडिया जो है गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था यहाँ पे, तो उसके बाद जो राइटर थे, मतलब आज़ादी के टाइम के जो राइटर थे, उन्होंने जो है जो उनका थीम रहा है वो आज़ादी से रिलेटेड रहा है। बाद में जैसे दूसरे राइटर आए, यानी हमारा जो थीम रहा है वो जो है जैसे जैसे हमारे देश की कंडीशन रही है, सिचुएशन रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने हमारे राइटर्स ने लिखा है। जैसे बाद में जो है जैसे इविल्स आती गई, जैसे कि ये हुआ कि अनटचेबिलिटी आ गई, तो मुल्क राजा आनंद ने जो है अनटचेबिलिटी पे लिखा। तो जो हमने अपने सोशल इश्यूज को उठाया हुआ है सभी राइटर्स ने, तो कोई खास ऐसे पीरियड्स वगैरह नहीं है, और उतना बड़ा लिटरेचर भी नहीं है जितना कि जो ब्रिटिश है या अदर्स कंट्री के हैं, उतना बड़ा नहीं है हमारा इंग्लिश लिटरेचर का जो इतिहास है। तो स्टूडेंट, आज जो मैं करवाने जा रही हूँ आपको, वो हमारा जो है इंडियन जो राइटिंग है या इंडो एंग्लो लिटरेचर है, उसकी हिस्ट्री करेंगे थोड़ी बहुत, कहाँ से स्टार्ट हुई, जैसी भी है तो कहाँ से स्टार्ट हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने आपको 2016 का पेपर दिखाया है, तो उसमें मैंने बताया आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो भी आया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन एज की तरह नहीं है, एज वाइज नहीं है ये चीज़ें। तो जैसे भी हम इनको करते हैं, और आज का जो हमारा वीडियो है वो इंट्रोडक्शन का है, हिस्ट्री का है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इसका है। और वन बाय वन हम जो है राइटर को लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट राइटर होंगे हम उनको लेते चलेंगे स्टूडेंट। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो फर्स्ट इंग्लिश बुक, कोई जो फर्स्ट इंग्लिश बुक आई, मतलब ऐसे तो हमारे यहाँ जो अंग्रेजों ने भी लिखा है, लेकिन हम उनकी काउंटिंग नहीं करेंगे। फर्स्ट इंग्लिश बुक बाय एन इंडियन, फर्स्ट इंग्लिश बुक बाय एन इंडियन, यानी किसी इंडियन के द्वारा जो लिखी गई है पहली इंग्लिश बुक, वो कौन सी है? तो है ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद, ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद बाय शेख डीन मोहम्मद। ये जो है पहली ऐसी इंडियन बुक है जो इंग्लिश में लिखी गई, किसी इंडियन ने लिखा, और इसका नाम है ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद बाय शेख डीन मोहम्मद। ये इन्होंने अपनी ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही बताई है, अपनी जर्नी के बारे में बताया है, क्योंकि जो ये राइटर थे इनको घूमने का शौक था। मतलब ये कोई वैसे प्रोफेशनल राइटर नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो है अपने जो कहीं जर्नी करने का शौक था, ट्रैवल करने का शौक था, तो उस ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो अपने एक्सपीरियंस है उसको इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, और ये जो है हमारी इंग्लिश की पहली बुक बन जाती है। अब जो है ये आई थी स्टूडेंट 1793 में आई थी, और जो है
फर्स्ट फर्स्ट जो है पंपलेट आया था, पंपलेट फर्स्ट पंपलेट जो है अपीयर्ड मतलब आया था 1806 के अंदर फर्स्ट पंपलेट आया था। अब पंपलेट क्या होता है, जिसको हम पंपलेट वो होता है जो न्यूज़पेपर वगैरह में डाले जाते हैं, इनको हम जो है मतलब छोटे साइज में होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, तो ये इस तरह के, लेकिन ये पहले राइटर ऐसे मैगजीन वगैरह नहीं होती थी तो पंपलेट डालते थे ताकि लोग, देखो क्या होता है मैगजीन भी होती थी तब भी पंपलेट का ही जमाना था, तो जो मैगजीन होती हैं वो वीक में आएंगी या जो है 15 डेज में आएंगी, इस तरह से आती थी। लेकिन ये पंपलेट जो है डेली आते हैं तो उनको बोला जाता है, मतलब ये जो पहला पंपलेट आया था 1806 के अंदर आया था। फर्स्ट जो नॉवल है, सॉरी फर्स्ट प्ले, पहले प्ले लेते हैं, फर्स्ट प्ले जो है था द परसिक्यूटेड बाय कृष्णा मोहन बनर्जी, ये था। और जो है फर्स्ट नॉवल राजमोहन्स वाइफ बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, ये फर्स्ट प्ले है पर्सुकेटेड बाय कृष्णा मोहन बनर्जी, फर्स्ट नॉवल राजमोहन वाइफ बाय बंकिम चंद्र चटर्जी स्टूडेंट। ये आपको, ये कुछ फर्स्ट हैं जो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब एक और बड़ा फेमस नाम है किशोरी मोहन गांगुली, किशोरी मोहन गांगुली, इन्होंने, ये किस लिए फेमस थे, ट्रांसलेटेड महाभारत, इन्होंने जो है महाभारत को ट्रांसलेट किया था इन इंग्लिश। और स्टूडेंट ये जो फर्स्ट नॉवल है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है, याद रखना है इसको। तो 1864 में जो है ये पब्लिश हुआ था, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको हम लेंगे। अब स्टूडेंट ऐसा है कि कुछ जो हमारे राइटर हैं उन्होंने पोएट्री वगैरह लिखी है और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थीम अपनाया है, तो कुछ ऐसे राइटर हैं जिन्होंने नेचर पे लिखा है, ऑन नेचर, यानी नेचर का थीम लिया उन्होंने, तो इनमें है सरोजनी नायडू और जो है केएन दारूवाला, ये आपने नाम सुना होगा जब मैं पेपर को डील कर रही थी उसमें भी था ये, और जो है तोरू दत्त। स्टूडेंट इन्होंने जो है नेचर का थीम लिया है सरोजिनी नायडू ने, के एन दारूवाला ने और तोरू दत्त ने। तोरू दत्त का जो है कंपैरिजन, ये फीमेल है तोरू दत्त, इनका कंपैरिजन जो है जॉन किट्स से किया जाता है, जॉन किट्स से किया जाता है, और कुछ जो है इनके अंदर सिमिलरिटी भी थी, जैसे जॉन किट भी जो है नेचर के पोइट थे और तोरू दत्त ने भी नेचर के ऊपर लिखा है। कुछ जो है डेस्टिनी ने भी इनमें सिमिलरिटी कर दी थी, जैसे जॉन किट भी जो है टीबी की जो बीमारी है उससे मर गए थे, मतलब उससे जो है इनकी डेथ हुई थी, और जो है तोरू दत्त की भी जो डेथ जो है टीबी से हुई थी, ये भी अर्ली एज में एक्सपायर हो गए थे और तोरू दत्त भी जो है अर्ली एज में ही एक्सपायर हो गई थी, तो इनका जो है कंपैरिजन जॉन किट्स से किया जाता, तो ये क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट की तोरू दत्त को जो है का कंपैरिजन किस जो है पोइट से है, तो ये जॉन किट्स से, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कुछ जो है इनका जो नेचर था, राइटिंग का वे था, उसकी वजह से इनमें सिमिलरिटी थी, कुछ डेस्टिनी ने बना दी थी, तो ये जो है नेचर के पोइट थे
और वैसे तो सभी हैं, ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है सरोजिनी नायडू के। सरोजिनी नायडू ने हिंदी में भी लिखती थी और इंग्लिश में भी लिखती थी। इनको जो है भारत को किला कहा जाता था, ये सब बातें आपको पता होंगी। के एन दारूवाला और तोरुदत्त, तोरुदत्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो इसकी जितनी भी पोइट्री है उन सबको पढ़ना है हमें। और के एन दारूवाला भी मतलब जो लिखा है मैंने वो इंपॉर्टेंट ही लिखा है। अब जो है फेमिनिज्म का जो है पॉइंट लिया, जिन्होंने फेमिनिज्म का थीम लेके अपनी पोइट्री को किया, वो है यूनिस डी सूजा और जो है कमला दास। इनके नाम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमला दास ने जो है कन्फेशनल पोइट्री लिखी है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो हम इन्होंने फेमिनिज्म का मतलब होता है जो फीमेल के इश्यूज होते हैं उनके ऊपर लिखा है। तो जब हम इनको करेंगे तो उस टाइम पे इनको इनकी पोइट्री वगैरह हमें पढ़नी होती है, हमें पता होना चाहिए कि कमला दास ने किस पॉइंट पे लिखा है और क्या क्या उसकी पोइट्री है। अब है ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने ड्रामा लिखे हैं, मतलब मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ स्टूडेंट आपको, ड्रामा जिन्होंने लिखे हैं तो गिरीश कर्नाड है, गिरीश गिरीश कर्नाड और जो है महेश दत्तानी, विजय तेंदुलकर, अभिषेक मजूमदार। ये जो है ड्रामेटिस्ट है हमारे इंडियन लिटरेचर के अंदर, गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी, विजय तेंदुलकर, अभिषेक मजूमदार। स्टूडेंट ये वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं जितने मैंने बताए हैं आपको, लेकिन गिरीश कर्नाड जो है अब इस एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि इनकी रिसेंटली डेथ हुई है 2018 के अंदर, और आपने इनको देखा भी होगा। कहाँ देखा होगा आपने, ये स्क्रीन प्ले राइटर थे, यानी ये फिल्मों के लिए भी लिखते थे। और हयावदाना इनका जो है जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके कैरेक्टर हैं आप उनको जैसे। वैसे तो मैं जब इनको गिरीश कर्नाड को करवाऊंगी तो वहां पे भी बताऊंगी। हयावदाना इनकी जो है जो बुक थी वो बहुत, इनका जो ड्रामा था बुक थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पढ़ना है। और उसके कैरेक्टर वगैरह जो है उनको भी पता होना चाहिए कौन से कैरेक्टर हैं उसके अंदर। और इनकी जो मैंने कहा कि आपने इनको देखा भी होगा तो कहाँ देखा होगा, ये मूवीज में आते थे, मतलब एक्टर भी थे, स्क्रीन प्ले राइटर थे, राइटर थे ये, और जो है ये एक्टर भी थे। तो एक था टाइगर जिंदा या एक था टाइगर, उस मूवी के अंदर भी हैं ये गिरीश कर्नाड। उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी तो 2018 के अंदर इनकी डेथ हुई है। आपको ये सारे जो है राइटर को करना है जितने मैंने लिखे हैं। अब है फिक्शन है स्टूडेंट, फिक्शन में जैसे मुल्क राज आनंद और जो है आर के नारायण, अरुंधति रॉय, राजा राव, ये जो है नाम इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। ये आप इन्होंने फिक्शन लिखे हैं, फिक्शन जैसे मुल्कराज आनंद है, आर के नारायण है जैसे, तो इन्होंने जो है जैसा भी जो पोइट्री सॉरी फिक्शन लिखे हैं तो इनके जो जो फिक्शन है वो आपको जो उनकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ मैंने आपको पॉइंट बताया है, इसके अकॉर्डिंग आपको इन राइटर को याद रखना है किसने फिक्शन लिखे हैं, कौन कौन से फिक्शन लिखे हैं, कौन कौन से ड्रामे लिखे हैं, इन्होंने जो ड्रामा लिखा है, पोइट्री लिखी है। तो ये सभी राइटर जो है इम्पोर्टेंट हैं, वैसे वन बाय वन हम इनको करेंगे। राजा राव, मुल्क राज आनंद और जो है आर के नारायण,
राजा राव मुल्क, राजा नंद, आर के नारायण। स्टूडेंट इनको जो है, जैसे मैंने आपको जो पेपर दिखाया था उसके अंदर एक इस तरह के दो क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि ये स्टेटमेंट जो है किसने दी है, किसके बारे में दी है, तो इन तीनों के बारे में भी एक इकट्ठी स्टेटमेंट दी है। और वो किस राइटर ने दी है, वो विलियम वेल्स ने दी है। विलियम वेल्स ने दी है वो, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक एक के लिए तो सभी देते हैं लेकिन इन तीनों के लिए बोला है, तो किसने बोला है ये भी आ जाता। स्टेटमेंट दे देंगे इसके बारे में, किन किन राइटर के बारे में बोला है, तो आपको ऑप्शन में मिलेंगे ये, या किसने बोला है ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो विलियम वेल्स ने इन तीनों के बारे में क्या बोला है कि इट वॉज दिस ट्रायो, It was this trio that established the foundation of Indian novel। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए कि किसने ये बोली है और किन के बारे में बोला है, तो ये ध्यान रखना आपको। अब स्टूडेंट जो है कुछ 1950s के जो इंपॉर्टेंट राइटर हैं वो हैं, जैसे 1950s लीडिंग राइटर्स जैसे अनीता देसाई और खुशवंत सिंह, अरुण जोशी, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो 1950s के जो है ये लीडिंग राइटर्स थे। तो अनीता देसाई वैसे तो जिनकी डिटेल हम जहां एक एक को करेंगे तभी बताएंगे, लेकिन ये अनीता देसाई जो पॉपुलर हुई थी, इनकी इनका एक नॉवल आया था, इनकी जो बुक थी क्राई द पिकॉक फायर, ये फर्स्ट बुक थी इनकी जो पॉपुलर हुई थी, फायर ऑन द माउंटेन, ये इनकी कुछ एक बुक थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और आपको भी पढ़ना चाहिए। इसमें क्या स्टोरी है, क्योंकि ये बुक जो है नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जो आपका दिसंबर में जो हुआ था 2019 दिसंबर के अंदर जो एग्जाम हुआ था नेट में, उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस बुक के बारे में पता होना चाहिए। इसकी जो लीडिंग जो प्रोटैगनिस्ट है लेडी है, तो उसके उसका नाम, वो मेन कैरेक्टर का नाम जरूर पता होना चाहिए, तो हो सके तो आप इसको पढ़िए। और खुशवंत सिंह की है, खुशवंत सिंह की है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान। और जो है अरुण जोशी इनकी है द अप्रेंटिस है इनकी। तो ये कुछ एक बुक है, मैंने कुछ एक लिखी है क्योंकि स्टूडेंट मैं एक किस्म से इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। हम इनको करेंगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी बुक हैं जो हमें डिटेल में पढ़नी भी पड़ेंगी, उनके करेक्टर वगैरह हमें पता होने चाहिए, और ये बुक कब आई है, उस जो राइटर है उनकी बायोग्राफी वगैरह, क्योंकि उनको जो राइटर हैं उनको अवार्ड मिले होते तो अवार्ड से क्वेश्चन आ जाता है, किस बुक पे अवार्ड मिले हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो है वन बाय वन करेंगे, लेकिन मैं ये इसलिए आइडिया दे रही हूँ क्योंकि अगर आप साथ साथ खुद भी पढ़ना चाहें, तो अगर आपके पास कोई बुक हो या जिसमें या आपके सिलेबस में कभी आई हो, तो कोई बुक आई है तो आप उसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। आप जो है 1980s के जो लीडिंग राइटर हैं, इनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है सलमान रुश्दी।
सलमान रुश्दी का, और इनकी बहुत ही ज्यादा फेमस जो बुक है वो है मिडनाइट चिल्ड्रन। स्टूडेंट ये बुक आपको जो है जरूर पढ़नी चाहिए, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बुक आपको इसकी डिटेल, क्योंकि इसमें जो है ये इसलिए भी फेमस है, एक तो इसको अवार्ड मिला हुआ है बुकर ऑफ बुकर अवार्ड, ये पिछली बार पूछा जा चुका है, और दूसरा इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, और इसका थीम जो है इसमें जो है जो सलमान रुश्दी हैं इन्होंने मैजिक मैजिक रियलिज्म को यूज किया हुआ है। तो मैजिक रियलिज्म क्या है और इसमें क्या कैरेक्टर है, पार्टीशन के ऊपर भी है थोड़ा सा, इसमें पॉइंट लिया गया पार्टीशन का है, इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी जी के टाइम में जो इमरजेंसी लागू हुई थी और उसका भी इसमें जिक्र है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है स्टूडेंट, सलमान रुश्दी की जो है मिडनाइट चिल्ड्रन। अब है रोहिंटन मिस्त्री है, ये भी बड़े फेमस राइटर हैं, इनकी है जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी फाइन बैलेंस ये बुक है। और अब बात करते हैं 90s और 2000 के जो राइटर हैं, लीडिंग राइटर हैं, इनमें नाम आता है अमिताभ घोष और विक्रम सेठ का आपने सुटेबल बॉय पढ़ा हो, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है वो भी विक्रम सेठ की, और इसके अंदर जो है अमिताभ घोष हो गया, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, इनका जो है ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी पढ़ने लायक है, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मैं लिख देती हूँ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय और कौन रह गया, शशि थरूर ने जो है महाभारत को एक मॉडर्न तरीके से लिखा हुआ है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ये तो ये कुछ एक राइटर है स्टूडेंट जो हमें मतलब इंडियन राइटिंग में एटलीस्ट हमें इनका तो जरूर पता होना चाहिए, जैसे अरुंधति रॉय को है, इनको अभी साहित्य अवार्ड मिला हुआ है और बुकर प्राइज साहित्य अवार्ड भी मिला हुआ, काफी सारे राइटर हैं जिनको अवार्ड मिला, मैंने मोस्टली ऐसे राइटर बताए हैं जिन्होंने अवार्ड वगैरह इनको मिले हुए हैं। और तो आपको इनको अवार्ड कब मिला और जो है किस बुक पे मिला, ये सभी इम्पोर्टेंट है। अरुंधति रॉय को जो है बुकर अवार्ड मिला हुआ स्टूडेंट, तो ये बहुत, और इसी बुक पे मिला हुआ है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पे, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है। और अब जो इसके अंदर आपको करना है, जैसे मैंने कहा कि इतने राइटर हैं, मोस्टली ऐसा नहीं है कि ठीक है कि इनमें एजेस नहीं है, हमारी इंडियन राइटिंग में एजेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको सभी जो मैंने राइटर बताए हैं इनकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए गाइज। और जैसा कि मैं बार बार जब भी बात करती हूँ तो मैं 2016 के जो हमारा एग्जाम है उसकी ही बात करती हूँ, तो आप सोचते होंगे कि मैं हमेशा 2016 के जो स्क्रीनिंग एग्जाम है उसकी ही क्यों बात करती हूँ, 15 की क्यों नहीं करती और 17 की क्यों नहीं करती। तो स्टूडेंट ना तो 15 में हुआ था, ना 17 में, 18 में ये कभी नहीं हुआ है, ना 14 में हुआ था, एक्चुअली बहुत सालों बाद जो है ये पेपर हुआ था 16 के अंदर। गाइस जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आप, और अपनी स्ट्रेटजी को प्लान कीजिए, वो कैसे, जैसे अगर मैं 2016 के स्क्रीनिंग एग्जाम की बात करूँ स्टूडेंट, तो ये वैकेंसी कब आई थी, ये वैकेंसी आई थी 2014 में इलेक्शन से पहले, और जब जो है हमारी नई गवर्नमेंट आई 2014 के अंदर, तो उन्होंने इस वैकेंसी को रीएडवर्टाइज कर दिया 2015 के अंदर, यानी दोबारा से 2015 में ये वैकेंसी निकल के आई और इसका पेपर हुआ 2016 में, फरवरी 2016 के अंदर।
और रिजल्ट आया 2018 के अंदर, यानी 2 साल बाद। और जो फाइनल सिलेक्शन है स्टूडेंट, वो मिला अभी रिसेंटली, मतलब लास्ट ईयर ही, जनवरी फरवरी के अंदर 2019 में, यानी 2019 में जो है, 1.5 साल बाद जो है फाइनल ज्वाइनिंग मिली है स्टूडेंट को, जिसमें हमारे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हुए। और हम कोशिश करेंगे आपको उनके स्नैप वगैरह दिखाने की, एज अ प्रूफ आप ये कह सकते हैं, तो हम वो भी दिखाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। तो स्टूडेंट मैं क्या कहने जा रही हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये जो वैकेंसी आई थी, जो 2016 के अंदर जिसका पेपर हुआ है, 14 के अंदर वैकेंसी आई, 16 के अंदर एग्ज़ाम हुआ, यानी कि पूरे 5 साल लग गए एक वैकेंसी को पूरा होने में। अब जो ये वैकेंसी आई हुई है स्टूडेंट, जो जिसका हमारा पेपर हो जाएगा मार्च अप्रैल के अंदर होगा या मई तक हो जाएगा, तो इस एग्ज़ाम की जो वैकेंसी आई है ये भी जो है 19 के इलेक्शन से पहले ही निकली है। तो आप खुद समझदार हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखो अगर आपने पिछला एग्ज़ाम दिया है तो आप समझ सकते हो कि आपने पिछला एग्ज़ाम दिया, आपको पता है कि वो 5 साल में पूरी हुई थी, तो क्या पता नेक्स्ट जो हो, जो आगे कभी फॉर्म निकले और कभी वैकेंसी आए, तो क्या पता आपकी एज ही जा चुकी हो। और अगर आपने फर्स्ट टाइम अब देने वाले हो तो फिर आगे मौका कब मिलेगा, आप खुद समझदार हो उसके लिए, क्योंकि एक एक वैकेंसी को पूरा होने में 5-5 साल लग रहे हैं। तो गाइस मैं आपसे जस्ट इतना ही कहना चाहती हूँ कि मौके जो है इस तरह के बाय लक जो है ऐसा मौका मिलता है कि आपका एस्टेट भी क्लियर है और वैकेंसी भी आई हुई है। तो गाइस ये रिस्क मत लीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन में जुट जाइए। और आपने आजकल देख लिया होगा, आज ही जो के जो न्यूज़पेपर में जो है वो आई हुई है, न्यूज़ आई हुई है कि हम गवर्नमेंट जो है 20 फरवरी से लेके और 30 जून तक लगभग सभी पेपर को करवा देगी। तो आपका पेपर जो है मार्च में नहीं तो जून तक लास्ट है, जून तक के सभी पेपर हो जाएंगे जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो सभी जो है ये वैकेंसी आ चुकी हैं आप, और डेफिनेटली जो है जो गवर्नमेंट है वो जिनका स्टेट क्लियर अभी रिसेंटली हुआ है उनको इंक्लूड करेगी। तो आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि रिस्क मत लीजिए, अपनी स्ट्रेटजी को प्लान कीजिए, और क्या पता मौका फिर कभी मिले ना मिले, और मिले तो कब मिले। तो आप मतलब वीडियोस को देखिए, कहीं कोचिंग लेनी है वहाँ लीजिए, अड़ोस पड़ोस में लीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, जो आपको ठीक लगे वो कीजिए, और लेकिन बस पढ़ाई कीजिए आपने, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि आप कल को पछताएं। तो रिस्क नहीं लेना आपको, कैसे भी कीजिए अपनी पढ़ाई में जुट जाइए स्टूडेंट। और जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी हो जाती हैं मेरी, और ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, क्योंकि हम फर्स्ट फेब से जो ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं तो उसकी तैयारी चल रही है, तो उसमें भी मैं बिजी हो जाती हूँ तो स्टूडेंट, लेकिन फिर भी जैसे ही मुझे टाइम लगा मैंने आपके लिए वीडियो डाल दिया, और जैसे ही मुझे आगे भी टाइम मिलता रहेगा मैं आपके लिए वीडियो डालती रहूंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।